सोलन, जिसे मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है, इस शहर में जहाँ एक और मशरूम लगाने की विधि के बारे में जानकारी दी जाती है, वहीं जो मशरूम उत्पादक हैं उन्हें मशरूम रिसर्च सेंटर में सस्ते दामों पर खाद भी उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन अब इस कंपोस्ट यूनियन को जहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके चलते मशरूम उत्पादकों में काफी रोष भी देखा जा रहा है। अपना विरोध दर्ज करने के लिए सोलन में मशरूम ग्रोअर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन ठाकुर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कंपोस्ट यूनिट को सोलन में किसी अन्य जिले में शिफ्ट न किया जाए, इसको लेकर मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की। विरोध दर्ज करते हुए मशरूम ग्रोअर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन ठाकुर ने कहा कि सोलन स्थित कंपोस्ट यूनिट में सिरमौर, बिलासपुर, किन्नौर और शिमला है। इस यूनिट को बड़े स्तर पर चलाने के लिए 4 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हुए थे। यहां तक कि भूमि पूजन भी किया गया था। लेकिन अब पता चला है कि इस यूनिट को सोलन से मंडी शिफ्ट किया जा रहा है, जो तर्क संगत नहीं है। इसलिए सभी मशरूम उत्पादक चाहते हैं कि मशरूम का कंपोस्ट यूनिट यहाँ से शिफ्ट न किया जाए। और मैं मशरूम ग्रोअर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम हमेशा मशरूम की भलाई के लिए लड़ते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो चंबा घाट का मशरूम कंपोस्ट की जो इकाई थी, उसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। जबकि हमारा एक डेपुटेशन जयराम ठाकुर जी से मिला था और उन्होंने इसके लिए 4 करोड़ रुपए सैंक्शन भी किए थे और उसका टेंडर भी हो चुका था और भूमि पूजन भी हो चुका था, जिसकी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। और अब सुना है कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ से उठ रहा है और इसको मंडी में कहीं धर्मपुर जगह पे ले जा रहा है। हमारा इसमें बहुत सख्त विरोध है और हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट ज्यों का त्यों यहाँ रहे और शीघ्र अतिशीघ्र बने, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से 5 जिलों के हित जुड़े हैं, जिन्होंने बैंकों से कर्ज ले रखा है और अपने मशरूम भवन बना रखे हैं। और इसमें जो है सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, किन्नौर और शिमला, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो सीधा सीधा इस इकाई से उनका वो पूरा होता था। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बने और इस सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाए कि ये प्रोजेक्ट को यहीं रहने दिया जाए। और जो यहाँ से जो स्टाफ को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, उसको भी यहीं रखा जाए।